अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सैयद जीशान हैदर और आप देख रहे हैं HT इंफॉर्मेशन। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको दोस्तों को ये बताऊंगा कि आप ये कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके मोबाइल के हार्डवेयर के पार्ट्स वर्क कर रहे हैं या नहीं, या आप ये कैसे चेक कर सकते हैं आपके फ़ोन का माइक, कैमरा, स्पीकर वगैरह वर्क कर रहे हैं या नहीं, या आप ऐसा करें कि आप ये कैसे चेक कर सकते हैं आपके फ़ोन के टच जो हैं वो वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहें क्योंकि मैं आज आपसे इसी बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐप है फ़ोन टेस्ट, आपको ये प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे डाउनलोड करना है। ये जस्ट 5 या 6 MB की ऐप होगी, तो आपको इसको डाउनलोड करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पर मैं जाकर टाइप करता हूँ फ़ोन टेस्ट। आपके सामने देखें ऐसे बहुत सी ऐप्स आ जाएंगी, आप जो चाहें ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप ये पहले नंबर वाली ऐप फ़ोन टेस्ट ट्राई करें। ये हार्डवेयर इन्फो वाली आप इसको ही डाउनलोड करें क्योंकि ये बाकी ऐप्स की निस्बत काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स देती है, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है इसमें। और सबसे बड़ी बात, इसकी रेटिंग देख सकते हैं आप, 4.5 है। तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। इसको ओपन कर लेने के बाद ये आपके सामने बिल्कुल एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके इस ऐप अगर आपको अगर आप इस ऐप को यूज़ करें तो आपकी यूजिंग के दौरान एड्स ना आए, तो आप ये 3 डॉट्स देख सकते हैं, आप इस पर क्लिक करके ये रिमूव एड्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो उसके बाद ये प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ये पेमेंट शो करा रहा है कि आप कितनी, ये यहाँ मुझे शो करा रहा है कि 110 रुपये में आप इसको कर सकते हैं। ये देखें, ये एड्स हैं, ये एड्स आप इस केस में रिमूव कर सकते हैं। अगर आप अपना इंटरनेट मोबाइल डाटा पैकेज पे यूज़ करते हैं तो उनके रेट्स तो बहुत महंगे होते हैं, तो अगर एड्स आती हैं तो वो आपका काफ़ी डाटा एक्सपेंस कर लेती हैं। मुफ्त काफ़ी काफ़ी सारा आपका डाटा मुफ्त में ही आपको ज़ाया करना पड़ता है। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। ये देखें, फ़ोन इंफॉर्मेशन में आप जाएँ तो यहाँ से आपके डिवाइस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन शो करवा देगा। ये देखें, डिवाइस, OS, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम डिस्प्ले, यह सब कुछ आपको शो करवा रहा है। यहाँ तक के लिए आपको IMEI नंबर भी शो करा रहा है। तो मैं बैक करता हूँ, ये जाता हूँ सिंगल टेस्ट में। यहाँ से आप कोई भी अगर मैनुअली टेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बस गया, मैं इसका टच टेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर इसका टच कहीं से ख़राब है तो मुझे पता चल जाए। ये मैं वीडियो उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जो कि अपना फ़ोन नया बाय करते हैं खरीद से या मार्केट से, सेकंड हैंड। तो ये देखें, जहाँ से इसका टच ख़राब होगा, ये अभी तो रेड कलर का शो करवा रहा है कि जहाँ से इसका टच ख़राब होगा वहाँ से ये इसका कलर बदल जाएगा, या ग्रीन हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो मैं इसको बैक वाले बटन पर क्लिक करके बैक करता हूँ। तो अगर आप यहाँ से और भी कोई टेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी ये मल्टी टच टेस्ट का है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो कह रहा है कि टच विद मल्टी फिंगर, यानी कि आप एक से ज़्यादा उंगलियाँ लगाएं इस की स्क्रीन पर ताकि ये टेस्ट कर सके कि आपके फ़ोन में मल्टी फिंगर का ऑप्शन है कि नहीं। अभी ये मल्टी फिंगर क्या चीज़ है, ये है कि आप का मोबाइल क्या ये सपोर्ट करता है कि वो आप एक से ज़्यादा उंगलियां लगाएं तो वो दोनों कामों को एक साथ मुकम्मल करें। यानी कि अगर आप कोई चीज़ डिलीट कर रहे होते हैं तो आप चाहते हैं कि मैं फास्टली डिलीट करूं काफ़ी सारी फाइल्स, तो आप दो दो पे क्लिक करके उनको आसानी से डिलीट कर सकते हैं। तो ये इसी के लिए है कि आप चेक कर सकते हैं कि आपके फ़ोन में मल्टी फिंगर का ऑप्शन है कि नहीं। तो अभी मैं एक उंगली लगाता हूँ तो ये देखें, इसने नीले कलर के एक सर्कल में मेरे इस टच को शो करवा रहा है। फिर मैं दूसरी लगाता हूँ, तीसरी और चौथी, और ये देखिए मैंने 5 उंगलियाँ भी लगा दी हैं तो ये बिल्कुल सही शो करवा रहा है। तो मैं उसको बैक कर देता हूँ। तो उससे आप ये इसमें से कोई भी टेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप बैक आएँ और ये देखें फुल टेस्ट में जाएँ। यहाँ से वो कह रहा है कि अगर आपका टेस्ट पास होता है तो आप पास कर दें, अगर फेल होता है तो फेल कर दें, अगर स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर दें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, अभी ये मेरी रिंगटोन प्ले करेगा। जैसा कि आपने सुनी होगी, इसने मेरी रिंगटोन प्ले कर दी है, तो मैं इसको पास कर देता हूँ। अगर आपका मोबाइल या आपकी रिंगटोन नहीं प्ले करता तो आप इसको फेल कर सकते हैं। अगर आप ये टेस्ट नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो मैं इसको पास करता हूँ।
उसके बाद ये मेरा मोबाइल का भी कह रहा है कि वाइब्रेट करेगा। अब जो हो सकता है आपको वहाँ ना शो हुआ हो या महसूस हुआ हो, लेकिन आप जब भी इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इससे मोबाइल वाइब्रेट होता है। तो मैं इसको भी पास कर देता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है कि आप अपना माइक टेस्ट करें, ये मैंने चेक किया है, तो भी इसको मैं स्किप करता हूँ। उसके बाद ये देखें को टेस्ट आ गया है, स्क्रीन टेस्ट, यानी कि अभी ये वो कह रहा है कि टच द स्क्रीन फॉर चेंज कलर, यानी कि आप स्क्रीन पर टच करें कलर चेंज करने के लिए। अभी मैं टच करता हूँ तो ये देखिए ग्रीन हो गया, अभी फिर टच करता हूँ तो ये ब्लू हो गया, अभी टच करता हूँ तो ये वाइट हो गया, फिर येलो। अब टच तरह टच करते जाएँ तो ये आपको शो हो जाएगा कि आपकी एलसीडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या आपकी एलसीडी सारे रंग सपोर्ट करती है। तो आप ये वॉल्यूम डाउन का बटन दबा के ये जो पास की और फेल वाले ऑप्शन है ये ला सकते हैं। उसके बाद मैं इसको भी पास कर देता हूँ। उसके बाद ये ब्राइटनेस मेरी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा है, उसको भी मैंने पास कर दिया। उसके बाद ये जो टेस्ट फोन टच का टेस्ट है ये मैंने आपको ऑलरेडी चेक करवा दिया, तो मैं वॉल्यूम डाउन का बटन दबा के उसको भी पास कर देता हूँ। अब ये मल्टी फिंगर वाला भी मैंने आपको चेक करवा दिया है। उसके बाद वो कह रहा है कि आप कैमरा अपना ओपन करें, अगर आप इस लेंस पे क्लिक करते हैं तो ये आपका कैमरा ओपन कर देगा। मैं इस लेंस पे क्लिक करता हूँ और कैमरा सेलेक्ट करके कैमरा ओपन कर लेता हूँ। तो देखें इसने मेरा कैमरा ओपन कर दिया है, अभी ये थोड़ी देर में मेरा कैमरा ओपन कर देगा। ये देखें वो कह रहा है कि टच टू फोकस, तो आप किसी भी जगह पे फोकस करना चाहते हैं तो आप टच भी कर सकते हैं। मैं इसको बैक करता हूँ और पास कर देता हूँ। उसके बाद इसने मेरे मोबाइल में जो सेंसर वर्क कर रहे हैं उनके बारे में बताया है, तो मैं वॉल्यूम डाउन का दबा के इसको भी पास कर देता हूँ, इसको स्किप कर देता हूँ। यहाँ से वो कह रहा है कि आप किस वाईफाई से कनेक्ट हैं तो आप इससे वो भी देख सकते हैं, तो मैं उसका भी पास कर देता हूँ। यहाँ से सब कुछ पास स्किप करके आप चीज़ चेक कर सकते हैं। बिल्कुल मैंने इसको इसलिए इनमें ज़्यादा टेस्ट को जल्दी जल्दी पास किया या स्किप किया ताकि ये वीडियो लंबी ना हो जाए जिससे दोस्त बोर होते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल HT इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसमें डेली IT ट्रिक्स वगैरह अपलोड करते रहते हैं जो कि आप दोस्तों के बहुत काम आएंगी। और जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, कमेंट किया करें और शेयर किया करें ताकि हमें और हौसला अफजाई और हम आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें, अगर आपको पसंद नहीं आती तो आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको पसंद क्यों नहीं आई, तो हम इस बारे में देखें कि हम आपको क्यों पसंद नहीं आई और हम इस बारे में वीडियोस ना अपलोड किया करें। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम।